Hello friends, this is Ajay Kumar and welcome to my channel Geekyleaks Network. So, कल हमने finish कर लिया था telnet और user कैसे block करेंगे उसमें, ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे SSH के बारे में, ठीक है ना? तो उसके बारे में तो हम पहले देखेंगे basic fundamental देखेंगे कि SSH के बारे में, ठीक है ना? उसके बाद जो deep है कि मतलब backend पे कैसे process होता है, वो चीज़ हम VPN में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब आप VPN पढ़ोगे तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रा बताऊंगा तो समझ रहे हो आप, ज़रा कन्फ्यूज रहोगे. तो इसके बारे में आपको मैं बेसिक बेसिक बताता हूँ, ठीक है ना? चीज़ें कन्फिगेशन बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मतलब थोड़ा पैकेट लेवल पर अच्छे लेवल पर वो मैं आपको VPN बताऊँगा चीज़ें. तो फिर आप देखते हैं, ठीक है ना? What is SSH? SSH क्या है? पहली बात तो यह कि SSH एक मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक है, ठीक है ना? जो कि यूज होता है हमारा किसी भी डिवाइस को मैनेज करने के लिए, ठीक है? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि टेलनेट जो होता है, जब हम टेलनेट इनेबल करते हैं उसके थ्रू भी हम लोग डिवाइस को मैनेज करते हैं. तो पहली बात तो ये है कि जो टेलनेट में ट्रैफिक जाता है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, मतलब उसमें कोई भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कोई भी मतलब एल्गोरिथम बैकएंड पे नहीं चली होती, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में जाता है. जो SSH है वो आपके ट्राफिक को जो होता है, जो आप किसी को मतलब किसी भी SSH सर्वर को एक्सेस करोगे तो वो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर होगा, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ साइपर, ठीक है ना? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले तो मैंने लिखा है व्हाट इज SSH, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आखिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है ना? SSH stand for secure cell. Okay. It is a method for secure remote login from one computer to another. It's provide several options for strong authentication. Authentication, okay, and it is protect protects the communication security with strong encryption. Okay.
ये इसकी लिटिल बिट डेफिनेशन होगी जो आप थोड़ा बहुत कहीं भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ SSH, लोग बहुत कुछ पूछते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहले आपको डेफिनेशन बता देनी है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर SSH के बारे में थोड़ा बताना है, जैसे कि SSH इज वर्क ऑन UDP, ठीक है, इट्स यूज UDP पोर्ट 22, ठीक है। और आप यही बोल सकते हैं कि इन SSH देयर इज अ 3 वर्जन, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका 1.5, ओके 1.5 जिसको हम वर्जन 1 भी कहते हैं, सॉरी 1 कहते हैं, ओके उसके बाद आपका आएगा ये 1.99, ठीक है ना, 1.99 ये वर्जन 1 भी सपोर्ट करता है, 1 एंड 2, ये मतलब वर्जन 1 एंड 2 दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और दूसरा तीसरा है 2.0 जो सिर्फ वर्जन 2 को ही सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ये हमारे 3 वर्जन हो गए, ठीक है ना। जैसे कि वर्जन 1.5 तो आप उसे वर्जन 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, 1.99 तो 1.99 कोई फिक्स नहीं है, इट्स कैन बी 1 एंड इट्स कैन बी 2, क्योंकि ये दोनों की इनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है, वर्जन 1 के भी और वर्जन 2 के भी। 2.0 मीन्स कि सिर्फ जो 2 पॉइंट में जो वर्जन 2 में जो मतलब इनक्रिप्शन सपोर्ट है वही सपोर्ट करेगा, ये नहीं कि मतलब आप इनक्रिप्शन 2 की चला रहे हो और एक्सेस मतलब 1.5 के थ्रू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ कि 1.5, 1.99 और 2.0 में कौन कौन से इंक्रिप्शन काम करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 1.5 में ठीक है ना, इसमें कौन सी आपकी मतलब इंक्रिप्शन काम करती है, इसमें देखो आपकी काम करेगी इंक्रिप्शन डैश एंड 3 डैश, ठीक है ना, ये आपकी 2 इंक्रिप्शन को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ वर्जन 1.99 और 1 एंड 2 बोथ, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो वर्जन सपोर्टेबल हैं, ठीक है ना, AC मतलब डैश भी, 3 डैश भी और AC, ठीक है ना, ठीक है, ये वर्जन आपके सपोर्टेबल है। एक मिनट, एक मिनट मुझे थोड़ा सा, ठीक है। और आप इसमें एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज़ लिखवा दी, थोड़ी सी और भी चीज़ छप रहेगी, जैसे कि ब्लू कर देता हूँ पहले से मैं, इसमें आपको एक चीज़ और लिखता हूँ, SSH इज जनरेट 2 पेयर ऑफ की
public key and private. Okay, two pair of key generate करता है, ठीक है ना? इसके बारे में VPN में ही पढ़ेंगे, जरा brief में, okay ना? और आप एक चीज और भी कह सकते हैं कि SSH is asymmetric asymmetric cipher, ठीक है ना? अब देखो इतनी चीज़ तो खत्म होगी, बेसिक बेसिक चीज़ें थी ये, तो ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि हम कितने टाइप से मतलब SSH को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको 20 कर लेता हूँ, थोड़ा सही लगता है। देर इज अ टू वे टू कन्फिगर SSH, फर्स्ट वे इज फर्स्ट वे क्या है कि डिफाइन पोस्ट नेम ऑफ द डिवाइस एंड सेकेंड वन इज डिफाइन डोमेन नेम फॉर द डिवाइस, ठीक है? डिफाइन होस्ट नेम ऑफ द डिवाइस, ओके। सेकेंड वन इज डिफाइन डोमेन नेम फॉर द डिवाइस, ठीक है ना? ये वे फर्स्ट में है, ये दो स्टेप आपको करने हैं, तो आप फर्स्ट वे से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं SSH, ठीक है ना? अब देखो सेकंड वे क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको वन बाय वन इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो सेकंड वे हम देख लेते हैं कि इसका सेकंड वे कैसा है। सेकेंड वे में आपके सिर्फ क्या है कि इसमें कुछ नहीं, एक ही स्टेप है, ठीक है ना? जनरेट अ की, ठीक है ना? इसमें हम जनरेट के दिखाएं कि आप एक ही कमांड से SSH को कैसे इनेबल कर सकते हैं, पर इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट की इज पोस्ट नेम एंड डोमेन नेम। ये चीज़ को आपको बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई की जनरेट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब होस्ट नेम जो आप डिफाइन करते हैं और जो होस्ट नेम उसका होता है और डोमेन नेम जो होता है उसके बेस पे ही की जनरेट होती है, ठीक है ना? तो लेट्स सी टू फर्स्ट वे टू कन्फिगर SSH, ओके। तो हम देखते हैं फर्स्ट वे में आप कैसे SSH को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट वे टू कॉन्फ़िगर SSH, इट्स गुड। सो ओके, सो दिस वन इज योर R1,
Okay, and this one is our PC. Okay, this one is our PC, and this is wire to connect R1 to user. Okay, define the IP address. So this is R1 user, right? अब हमें एक चीज और करनी है इसमें, पहले तो हमें थोड़ा साइज छोटा करना है इसका, ठीक है ना, 10.10.10.1/30, ओके, 10.10.10.2/30, ओके, अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट वे से हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं हम कैसे करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। So R1, okay, हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें सेट करना है होस्ट नेम, जो कि R1 है, तो हम R1 ही कर देंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम ना एक काम करते हैं, इस चीज़ को कॉपी कर देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेव होगा हमारा। तो एंटर, ठीक है ना। दूसरा हमें सेट करना था डोमेन नेम, IP TOMAIN डोमेन हाइफन नेम, ठीक है ना। अब आप उसका कोई भी नाम दे दो, ठीक है, जैसे मैं रहता हूँ Geekyleaks ओके नेटवर्क, ठीक है ना, ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है कि आपको ये कमांड एंटर मारना है, क्रिप्टो की जनरेट ओके RSA, ठीक है। आप ये कमांड एंटर मारोगे तो ये आपसे की का साइज़ पूछा है, कितने की को मतलब कितने बिट से मतलब उसे इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी 100 डॉट, दिस इज आवर IP, एक मिनट रुकिए, जो थोड़ा और नजर आए जब तक। मे बी अब ऑन हो गए होंगे डिवाइस, ठीक है, ऑन तो हो गया है। ओह शिट, मैंने ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव की थी, ठीक है, सिस्को पासवर्ड इसका, ठीक है। IP तो इस पर सेट है पहले से, ठीक है ना। होस्ट नेम भी इसमें सेट है, फिर भी लो आपको मैं दिखा देता हूँ, होस्ट नेम R1 ओके। अब हमें सेट करना है IP डोमेन नेम,
IP domain name geekyleaks network, ओके एंटर मार दिया हमने। अब यहाँ देखिए मेन कमांड क्रिप्टो की जनरेट आर एस से, आप इसको एंटर मारोगे ना तो इस चीज़ को पढ़ो। देखो बाई डिफॉल्ट आके जब एंटर मारोगे ना तो 512 से मतलब की को मतलब 512 के बिट से मतलब की को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसमें आप ये देखिए जो द नेम ऑफ द की विल बी, मतलब हमने देखो R1 सेट किया था यहाँ पे, ठीक है R1 ये रहा होस्ट नेम R1 और ये हमने डोमेन नेम सेव किया हुआ है, ठीक है ये हमारा की बनेगा। अब देखो यहाँ पे आप साइड साइज मतलब वो कर सकते हो, आखिर मैंने मान लो कि इसको एंटर मार दिया तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे देखेगा 1.5 हैज बीन इनेबल, ठीक है ना, ठीक है ये आपका हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो कि मैं इसे दोबारा एंटर मारता हूँ, ठीक है ना, इसे करते हो यस, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर मारता हूँ 1024, तो आप यहाँ देखेंगे 1.99, ओके यस, ठीक है ये देखिए 1.99, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखो ये क्या है कि आपके वर्ज़न 1 और 2 दोनों ही सपोर्ट करते हैं। और एक तरीका और भी होता है IP SSH वर्ज़न 1, ठीक है ये आपका वर्ज़न 1 इनेबल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप जितने भी मर्जी उतने वर्ज़न अपने इनेबल कर सकते हैं 1 और 2, ठीक है ना, 1.55 नहीं है इसमें, 1 या 2 आप इनेबल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ठीक है हमने इतना तो कर दिया इसे, सो आई पी एस एस एच से पहले 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है सब कुछ तो हो ही गया है, अब बस हमें एक चीज़ और करनी है बस कि मतलब लाइन VTY इनेबल तो कर ही दिया हमने, SSH तो इनेबल कर ही दिया है। अब जैसे हमें करना है कि जब एक्सेस ले लाइन VTY पे एक्सेस लेगा बंदा, लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसफर इनपुट, ये देखिए आप ऑल करोगे तो सारी सर्विस इनेबल जाएगी, पर मेरे को तो सिर्फ SSH करना है, ठीक है ना, लॉग इन लॉक कर, ओके यूज़र नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। एक बैनर भी सेट कर देता हूँ मैं, बैनर लॉग इन वेलकम टू Geekyleaks नेटवर्क, ठीक है ना, बैनर MOTD Geek, ठीक है ना। अब आप PC पे आ जाइए एक बार, ठीक है PC पे आने के बाद IP तो PC मेरे ख्याल से मैंने सेट पहले करी हुई है,
ये कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो। हमने वर्जन 1 किया था ना, तो 1 पे क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक अच्छे से फाइली कलेक्ट है, ठीक है ना। ये देखो सिस्को सिस्को आ गया वी आर गीक लॉगिन करने के बाद, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ इनेबल सिस्को, ठीक है ना। मिनिमाइज करता हूँ। ये था हमारा फर्स्ट वे, ठीक है। फर्स्ट वे था कि हम किस तरह से SSH को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक कमांड बताता हूँ कि आप SSH की मतलब जो की को कैसे मतलब रिमूव कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। उसमें कमांड चलती है आपकी क्रिप्टो की, इसमें ये कमांड वर्क नहीं कर रही है यार, सॉरी की, ठीक है ना। ये वर्क कर रही है 0 से, ठीक है। प्रेस कर देना यस, ये आपके सारी की को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। ये देखो हमने 1 इनेबल किया था, डिसेबल हो गया ना। देखो मैं यहाँ पे लॉग भी आ गया। अब हम करेंगे सेकंड वे टू SSH को इनेबल करेंगे सेकंड वे से। तब तक मैं इसे स्वाइप भी कर देता हूँ ताकि दोबारा से मैं कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा सकूँ। नहीं छोटा सा कोई लोड नहीं है ऐसे तो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वे था। अब मैं आपको सेकंड वे बताता हूँ कि सेकंड वे से आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है सेकंड वे से देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये तो मतलब मोस्टली मतलब रियल एनवायरनमेंट पर लोग यही कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी लैब पे जाते हैं, R1 पहले से क्लिक है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, इसमें देखो आप कमांड चलेंगे क्रिप्टो ठीक है ना। अब देखो हम सिर्फ एक ही कमांड एंटर मारेंगे और मतलब SSH इनेबल हो जाएगा। इसमें तो कमांड चलती है क्रिप्टो, ठीक है ना, की जनरेट RSA लेबल। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि उसमें क्या आ रहा था कि हम होस्ट नेम डिफाइन कर रहे थे, डोमेन नेम डिफाइन कर रहे थे, तो उसके बाद मतलब आपका SSH मतलब वहाँ से क्यों उठाता था। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने डाल दिया की Geekyleaks डाल दिया मैंने, ठीक है। और मॉड्यूल क्योंकि जब हम सब आखिर मैं देखो ये एंटर मार दूँ फिर ये मेरे से पूछेगा कि मतलब मॉड्यूल मतलब जैसे कि वहाँ पे बिट पूछ रहा था ना कितनी, 512 बाई डिफॉल्ट दिखा रहा था। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 1024, ठीक है। ये तो उसने डायरेक्ट इनेबल कर दिया, मेरे से पूछा भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ मैंने 1024 डाला तो उसने 1.999 को इनेबल कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे फिर वैसे ही करना है लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ओके। उसके बाद लॉग इन लोकल, ओके। एग्जिट, यूज़र नेम इज़
Cisco. Password is Cisco. Enter. As simple as that. ठीक है ना. अब मैं आपको PCs एक्सेस करके दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आइए आप. सॉरी माय 10.10. सॉरी 1. ओके, इसको ले लो आप एक्सेस. यस कर दो. सिस्को. ठीक है, पी आ गई. इनेबल सिस्को. ये लो एक्सेस हो गया. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये कमांड देखो. सो यूज़र, ये कमांड भी बहुत काम की कमांड है. सो यूज़र, अब आपको ये दिखाई कि मतलब किस किस बंदे ने किस आईपी से मतलब मेरे R1 डिवाइस को एक्सेस कर रखा है. अब इस कमांड से ये देख सकते हैं. ठीक है, ये देखिए. और कितनी देर से ले रखा है वो दिखा देगा इसमें. ठीक है ना. यूज़र क्या है उसका, सिस्को. मतलब यूज़र नेम क्या है उसका, सिस्को. ठीक है, ये चीज़ देखते हैं. और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ. सो IP SSH, ये देखो. इसमें देखो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी कि कौन कौन से कौन सा वर्जन मेरा इसमें इनेबल है. ठीक है ना. इंक्रिप्शन एल्गोरिदम देखो ये सपोर्ट करता है. ठीक है ना. और इसमें देखो कि अगर मेरा देखो 3 बार ऑथेंटिकेशन फेल होती है तो 3 बार के बाद ऑथेंटिकेट करना बंद कर देगा ये, कि 3 ही बार करेगा. ठीक है ना. और ऑथेंटिकेशन टाइम आउट ये भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना. रिट्राई मतलब कि कितने तक, मान लो कि मैंने 3 बार 2 बार यूजर ने पासवर्ड गलत मार दिया. ठीक है ना. तो या फिर तीसरी बार ही पूछेगा कि 3 बार मार दोगे तो फिर आपको दोबारा मतलब से लॉगिन करना पड़ेगा. तो फिर आपको फिर 3 बार चांस छोड़ देगा. इसको देखो आप, इसको बढ़ा भी सकते हो आप इस कमांड से. IP SSH. ठीक है ना. रिट्राइस. सॉरी एक मिनट. IP SSH. सॉरी ऑथेंटिकेशन रिट्राइज. आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 5 तक, मतलब बढ़ा सकते हैं. ये डिवाइस पे भी डिपेंड करता है. इसमें तो 5 ही दे रखे, आप और भी बढ़ा सकते हैं इसमें. ठीक है ना. ये हो गया आपका. यहाँ पे जब चेंज कर दो. ठीक है, जैसे कि मान लो मैं चेंज कर देता हूँ. मैंने यहाँ कर दिया 4, वहाँ पे उस टाइम 3 था. ठीक है ना. टाइम आउट कर देता हूँ मैं इसका. IP SSH 120 सेकेंड है ना वहाँ पे. SSH टाइम आउट 120 सेकेंड मैक्सिमम है. मैं 100 सेकेंड कर देता हूँ. ठीक है ना. अब टू शो IP SSH, ये देखिए मैंने 4 कर दिया. और यहाँ देखिए आप, ये टाइम आउट देखो यहाँ पे 100 दिखा रहा है. ठीक है, इस तरह से आप इसमें थोड़ी चेंजेस को भी चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है ना. और एक चीज़ और भी है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ मैं. आप इसे IP SSH इवेंट. लॉगिन इवेंट होता है. ठीक है ना. इससे तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छी कमांड है ये भी. जैसे डीबग करते हो उसकी तरह आप समझ सकते हो या कह भी सकते हो. जैसे कि अब मैंने यहाँ से एक्सेस लिया R1 का, तो ये मेरे को लॉग दिखाएगा, मतलब कि सक्सीड हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम नहीं आई. ठीक है ना. ये देखो एक्सेस लिया, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया. ठीक है. और देखो ये भी दिखा रहा है TTY अभी तो 0 है मेरा. ये TTY ये होता है कि जब आप किसी डिवाइस का एक्सेस लेते हो ना, तो आपको एक नंबर असाइन करता है TTY से. ठीक है, मैं भी इसके ऊपर एक क्लास बनाऊंगा. लाइन VTY और TTY में क्या डिफरेंट होता है. ठीक है, मैं इसमें बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा. इसमें हैकिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा और भी. ठीक है. सो ये चीज़ इस तरह वर्क करती है. सो आज के लिए तो इतना ही. ठीक है ना, SSH के बारे में. और हम SSH को और भी मतलब डीप में पढ़ेंगे VPN के टाइम पे. ठीक है ना. अब हम मैं आपको कल पढ़ाऊँगा कि राउटर का कोई एक्सेस कैसे लेते हैं. ठीक है ना, वो भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और मैंने आपको बताया था कि आप मेरे ब्लॉग पे जाके अपना
अपना यूज़र नेम एंड ईमेल, सॉरी नाम और ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दो ताकि मैं आपको गूगल क्लास में ऐड कर सकूँ। सो पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर मेरा ब्लॉग को एंटर करें और उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सॉरी अपना नाम और ईमेल मुझे मेंशन करके भेज दें। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ उसे एक बार, www.youtube.com। ओके, ये मेरा चैनल है यहाँ पे Geekyleaks नेटवर्क के नाम से, उसमें मेरे ब्लॉग को एंटर मारना आप, और ब्लॉग को एंटर मारने के बाद आप मेरे पेज पे पहुँच जाओगे, मेरे ब्लॉग पे, और उसमें कॉन्टैक्ट पेज होगा। कॉन्टैक्ट पेज में आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस सेंड करना है ताकि मैं आपको गूगल क्लास में ऐड कर सकूँ, और जैसे मैं आपको कुछ और टास्क दूँ आप वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है? क्योंकि जितने आप टास्क करोगे तो थिंग विल बी मोर क्लियर। ओके, Geekyleaks नेटवर्क। ओके, दिस इज माय चैनल। आपने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे क्लिक करो ब्लॉग पे। ब्लॉग पर क्लिक करना है आपने, और ब्लॉग को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कर दो कॉन्टैक्ट पेज दिखेगा, ठीक है ना? आप अपना यहाँ पे नाम और ईमेल एड्रेस मुझे सेंड कर दो ताकि मैं आपको क्लास में ऐड कर सकूँ और आप कोशिश कर सकें, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।